नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जमूरों, खबर तो मिल ही गई होगी, जेएनयू एक बार फिर से विवाद में। इस बार एनडीटीवी का कहना है कि भाई साहब गोडसे भक्तों ने गांधीवादियों को कूट दिया। इस हमले में 20 गोडसे भक्तों के हाथ पांव टूट गए। अभी ही का हो गया आइला वो तेरी, मतलब ये तो गजब हो गया। गांधीवाद के समर्थक अहिंसावादी एबीवीपी को ही कूट दिए, यानी लेफ्ट वाले और कांग्रेसियों ने मिलके गोडसे को कूट दिया। हाय राम, ये तो 1947 वाला इतिहास बदल गया। माने आप क्रिमिनल हो गए। हाय राम, यानी आप आतंकवादी हो गए, तो पहले ही से थे। केरल में ये तो इतने असहिष्णु आदमी है, केरल में आरएसएस के न जाने कितने स्वयंसेवकों का कत्ल करके भी कहते हैं आरएसएस फांसीवादी है, आरएसएस नाजीवादी है। हम लेनिन समर्थक है, हम माओ समर्थक है, हमको मारने का अधिकार है, क्योंकि हमारे इतिहास में खून खराबा लिखा हुआ है। इंडिया में साथ में एक और नारा लगेंगे, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गाय को काटेंगे पर महात्मा गांधी का नारा लगाएंगे। कमाल है यार, एक तरफ महात्मा गांधीवादी विचारधारा की बात करेंगे, दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीमिंग करके गाय काटेंगे, दूसरी तरफ बम मारेंगे, लव जिहाद करेंगे, माने गांधी के नाम पे तमाम कुकर्म करेंगे, और सामने वाले को बोलेंगे ये तो गोडसे भक्त, ये तो कमिनल आदमी है। साला चप्पल होता तो निकाल के खींच के मारते। वैसे ठीक है किया है। इस जेएनयू के कांड में इस बार लेफ्टिस्ट लेक्चरर समेत लेफ्टिस्ट लोग भी कूटे गए हैं। एबीवीपी के हमारे भाइयों को तो चोट आई है, 20 से ज्यादा एबीवीपी के स्टूडेंट्स जिनके हाथ टूटे हैं, सीरियस इंजरीज हैं, ये सब किया गया है लेफ्ट गुंस और कांग्रेसियों के द्वारा, जो बात बात पे गांधीवाद का नारा लगाते हैं। कुल मिला के ये वास्तविकता हो चुकी है कि जेएनयू में खतरनाक किस्म के देशद्रोही इस वक्त घुस चुके हैं। जेएनयू में 370-35 टाइप नहीं, यहां सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। लेक्चरर से लेकर के स्टूडेंट तक में ये खतरनाक मानसिकता वाले जिहादी पीएफआई समर्थक एसएफआई के गुंडे शामिल हो चुके हैं। ये सब के सब आतंकवादी समर्थक और स्वयं आतंकवादी विचारधारा के प्रचारक। इन सबको इसी बात पे याद आया, इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं विपक्षों से, वो तो बीजेपी को ही ब्लेम करेगी ना। लेकिन एक और बात, एनडीटीवी से भी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो भी तो बीजेपी और मोदी को ही गाली देगी ना। आइला उमर खालिद भाई के साथ आदित्य ठाकरे शिवसेना, कसम से तुम्हारे दादाजी होते बाला साहेब ठाकरे तो मुर्गा बनाते आदित्य ठाकरे, तुम उमर खालिद के साथ जा रहे हो बे। शर्म ठीक है, सरकार बनाइए कांग्रेस के साथ, मगर इस हद तक नीचे गिरोगे? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगा रहा था, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, और तुम बाला साहब के पोते हो, कुछ तो शर्म करो। लेकिन नहीं, यही तो सेकुलरिज्म है। तो इन सब का जो मेरे पास अब तक अपडेट आया है, कारण क्या जानते हैं? कुछ कारण नहीं है, बस वही CAA NRC। अब इन सब को मतलब जूतांजलि दिया जाए कि न दिया जाए समझ में नहीं आता है। एनआरसी पे एक बंदा जमूरा कहता है, अच्छा आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, आपको तो निकाल दिया जाएगा देश से। आइला भाई साहब, पूरा क्लॉज आसाम एकॉर्ड के बाद और जो आसाम में एनआरसी लागू हुई वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अलग अलग तरह से आए हैं और बसे हैं, उसके लिए वही चीजें लागू नहीं की जा सकती है। अभी तक बीजेपी सरकार या कैबिनेट ने किसी भी तरह के एनआरसी पे पहली बैठक भी नहीं की है। अमित शाह कह रहे हैं हम लागू करेंगे, लेकिन इसका अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं है, मगर एनडीटीवी दबाया, न्यूज क्लिकिंग, इन तमाम जिहादी संगठनों ने उत्पात मचा रखा है पूरे देश में। ये सब कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं, साला चप्पल निकाल के मारेंगे ना सारा गांधीवाद। और का ये जो तुम गांधीवादी गांधीवादी कर रहे हो ना, गांधी जी होते ना अपना ही लाठी उठा के सारी जो है ना सेकुलरिज्म का भूत उतार दिए होते तुमको। इस बात पे वो अहिंसावादी थोड़ा छोड़ देते, कहे कि लोग लात का देवता है, बात का देवता नहीं है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को, आप लोग तो समझदार हैं। बाकी लेफ्टिस्ट
ये नहीं सुधरेंगे। तो जेएनयू एक बार फिर से चर्चे में है। कुल मिला के बीजेपी सरकार आने के बाद, मोदी और अमित शाह के बाद, केजरीवाल के थप्पड़ खाने के विश्व रिकॉर्ड के बाद, सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में है तो वो जेएनयू है। काहे बे, मतलब इतना तो साला पत्थरबाजी, आतंकवादी हरकत कश्मीर के भटके हुए नौजवान नहीं करते थे, जितने तुम तथाकथित रूप से पढ़े लिखे करते हो। और गांधीवाद की बात मत करना, ये मत कहना कि आरएसएस वालों ने, एबीवीपी के जवानों ने, एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने पहले शुरू की, उन्होंने शुरू की, तुमको पत्थर खा लेना था। गांधी जी तो बोले थे ना, एक गाल पे पत्थर मतलब थप्पड़ खाओ तो दूसरा गाल आगे करो। मगर तुम तो यार पत्थर के बजाय पत्थर मारने लगे, तुम्हारे हिसाब से बात कर रहे हो। वैसे पत्थरबाजी के एक्सपर्ट तो तुम लोग हो, पत्थरबाजी, आगजनी, ट्रेन फूंक देना, गाड़ी फूंक देना, इन सब में तो तुम लोग जो है डिग्री हासिल की है, इसी डिग्री के बदौलत तो तुम कह रहे हो साला अभी तक बेरोजगार बैठे भे, नौकरी नहीं है भे, पर तुम लोग जो है ना इसी लायक हो। कुल मिला के जेएनयू फिर से विवादों में है मित्रों, आप थोड़ा सोचिए। देश के तथाकथित रूप से उच्च शिक्षा संस्थान की बात कर रहा हूं मैं, जेएनयू, और यह सब हो रहा है लगातार। आप तथाकथित इनकी मीडिया हाउस की बात छोड़ दीजिए, वो तो एबीवीपी को ही कटघरे में शामिल करेंगे, बाकी तो इनके लेफ्टिस्ट जो है ना सब हरिश्चंद्र के वंशज हैं, ये सब युधिष्ठिर के जो है ना प्रपौत्र हैं, धर्मराज हैं, इन्होंने तो कोई गलती करनी ही नहीं है लाइफ में। लेकिन आप समझिए कि ये घृणित सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं। आपको याद होगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कैसे नारे लगे थे, कितने याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा, ऐसे ही नारे जाधवपुर यूनिवर्सिटी में। ये लेफ्टिस्ट जहां भी गए हैं उसके पूरे एजुकेशन सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये इस वक्त देश की स्थिति है। तो आप पहले सांप को देखिए और लेफ्टिस्ट को देखिए, तो सांप पे थोड़ा देर के लिए विश्वास कर लीजिएगा, वो डसेगा तो आप बच जाएंगे, लेफ्टिस्ट आपको डस लेगा ना आप नहीं बच सकते। लेफ्टिस्टों से सावधान, लेफ्टिस्ट न्यूज चैनल्स, लेफ्टिस्ट डिजिटल मीडिया, लेफ्टिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, तमाम लेफ्टिस्टों का इस वक्त बहिष्कार के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। इनका हर जगह स्वागत जूतों के माला पहना करके कीजिए। यह वो असहिष्णु तबका है जो खुद को हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करने में माहिर है। ये वाला विक्टिम कार्ड इसीलिए आपके लिए दोस्तों। आप सोचिएगा देश कहां जा रहा है। जय श्री राम।